नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। गुलाम नबी के कारण बदला प्लान, अब मंगलवार की बजाय बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप, बिल में मोदी सरकार ने किए हैं 2 संशोधन। विपश्यना पर जाने से पहले केजरीवाल ने दी विधायकों को सलाह, कहा पुलिस से किसी तरह उलझने का ना करे कोशिश, अनुपस्थिति में सिसोदिया करेंगे दिल्ली सरकार का नेतृत्व। लोकसभा में उठा बुलंदशहर गैंगरेप का मामला, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने सीएम अखिलेश से मांगा इस्तीफा, गिरफ्तार 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। 10,000 भारतीय मजदूरों की स्वदेश वापसी के लिए मंगलवार को सऊदी जाएंगे वीके सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा हम अपने श्रमिकों को नहीं छोड़ सकते वहां। और ऑडिट एजेंसी कैग की रिपोर्ट में खुलासा, देश के सैनिकों को परोसा जाता है घटिया खाना, पाक और चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को नहीं मिलता भरपेट खाना। संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं इन सब के बीच केंद्र सरकार मंगलवार की बजाय बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए जीएसटी बिल पेश करेगी। ये परिवर्तन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के वाराणसी में होने के कारण किया गया है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने विधेयक में 3 बिंदुओं पर अपना विरोध दर्ज किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बिल में 2 संशोधन किए गए हैं। इनमें कांग्रेस की एक मांग भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बिल पर सभी दलों से परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि वह बिल पर सदन में जरूरी 2/3 बहुमत पालेगी। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने सैनिकों के खाने पर सवाल उठाए हैं। कैग ने सवाल उठाया है कि क्या सैनिकों को घटिया खाना परोसा जा रहा है, क्या उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात जवानों को ना तो ताजा खाना मिलता है और ना ही खाना जरूरत के हिसाब से मिलता है। इस रिपोर्ट को मौजूदा संसद के मॉनसून सत्रों में पेश किया गया है। रिपोर्ट में सेना के महकमों के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सेना द्वारा खुद कराए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि 68% जवान उनको परोसे जा रहे खाने को संतोषजनक या फिर निगन स्तर का मानते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुए 10,000 भारतीय श्रमिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है और वहां शिविरों में उन्हें भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मंगलवार को सऊदी अरब जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा हालांकि ये समस्या का स्थायी हल नहीं है, फैक्ट्रियां बंद कर कंपनियां भाग गई हैं, हम अपने श्रमिकों को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उनके विदेश विभाग और श्रम विभाग से संपर्क किया है। हमने वहां के विदेश विभाग से कहा है कि वह श्रमिकों को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए हमको अधिकृत करें। सुषमा ने कहा उनके वेतन भी बाकी है, इसलिए मैंने श्रम विभाग से कहा है कि प्रत्येक श्रमिक एक अनुबंध पत्र पर दस्तखत करेगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान नरसिंह यादव को राहत दी है। नाडा ने सोमवार को नरसिंह यादव पर लगा बैन हटा दिया है। नाडा का कहना है कि पहलवान नरसिंह यादव से कोई गलती नहीं हुई है। नाडा ने बताया कि नरसिंह यादव के ड्रिंक में मिलावट की गई थी, इसलिए इसमें नरसिंह यादव का कोई दोष नहीं है। अब नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले नाडा के अनुशासन पैनल ने नरसिंह से जुड़े डोप विवाद पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी थी। 3.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान नरसिंह और उनके कई वकीलों ने नाडा समिति के सामने अपना पक्ष रखा, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि नरसिंह दूसरे डोप परीक्षण में भी नाकाम रहे थे। उन्होंने 2 साथी पहलवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पाटीदार आंदोलन और दलित कांड की वजह से लगातार विरोधियों के निशाने पर रही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पिछले 2 दिनों में 3 बड़ी घोषणाएं करके राज्य के लोगों को खुश कर दिया है। आनंदीबेन ने शनिवार को अचानक ही वलसाड़ के एक सरकारी कार्यक्रम में घोषणा करी कि कारों और छोटे वाहनों पर पूरे गुजरात में 15 अगस्त से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
रविवार को आनंदीबेन ने पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज हुए पथराव के 438 में से 391 केस वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ था कि आनंदीबेन पटेल सरकार ने और बड़ी घोषणा कर नाराज चल रहे गुजरात के 4.65 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.12 लाख पेंशन धारकों को खुश कर दिया। सीएम ने ऐलान किया कि राज्यों में सात वेतन आयोग की सिफारिश 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। ये याचिका पूर्व IAS और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी। याचिका पर लगभग आधे घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति SA बोबड़े और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया। मंदर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत निचली अदालत बीजेपी अध्यक्ष को आरोप मुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया था। शाह को राहत देते हुए पीठ ने कहा, जब कोई व्यक्ति वाकई व्यथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर दूर तक संपर्क ना हो और वह मामले को पूर्ण जीवित करना चाहता हो तो ये एक अलग मसला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को अलर्ट किया है कि उन्हें अब ज्यादा सावधान रहना होगा। पंजाब में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए विरोधी दल हमें बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों को ये भी सलाह दी कि वे पुलिस के साथ साथ किसी से भी उलझने का प्रयास न करें और अपने इलाकों में लोगों के काम करने में जुटे रहे। केजरीवाल सोमवार से 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए हिमाचल जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विधायकों को सलाह देने का ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने विधायकों से कहा कि हमें अब और सावधान रहना होगा, विरोधी लोग हमें उकसाएंगे, हमारे परिवारों पर दबाव डालेंगे और हमें फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें एकता दिखानी होगी। उन्होंने विधायकों को ये भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वॉक द टॉक कार्यक्रम सफल बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रोड शो को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2 अगस्त को होने वाले रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशांत किशोर बनारस पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्वांचल चुनाव प्रभारी व पिंडरा से विधायक अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा आदि के साथ बैठक की और पूरी जानकारी एकत्र की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी वाराणसी पहुंच गए हैं। सभी पदाधिकारी और नेता अब वाराणसी में ही रहकर रणनीति को अंतिम रूप देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का समर्थन किया है। पर्रिकर ने असहिष्णुता पर बहस को लेकर बॉलीवुड स्टार आमिर खान की खिंचाई की थी। स्वामी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, आमिर पर पर्रिकर के बयान पर इतना हो हल्ला क्यों? अगर आमिर जन्मभूमि से बेइंतहा मोहब्बत से अनजान है तो उन्हें एक टीचर की जरूरत है। स्वामी का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी पार्टियों ने पर्रिकर के बयान के लिए उनकी आलोचना की है। NCP के नेता माजिद मेमन ने कहा, मुद्दे को उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आमिर खान को राष्ट्र विरोधी बताकर पर्रिकर ने गलत किया। आमिर ने भारत की नहीं बल्कि सरकार की आलोचना की थी जो कि देश में शासन करने में नाकाम रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भाभी रिजवाना इकबाल हसन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि उन्हें विदेश घूमने के लिए भारत सरकार से पासपोर्ट चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया और UK जाना चाहती है। याचिका में रिजवाना ने इन देशों में जाने की वजह भी बताई है। रिजवाना ने बताया कि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है और बेटे का एडमिशन अभी UK की यूनिवर्सिटी में हुआ है, लिहाजा वो वहाँ जाकर उनको सेटल डाउन करना चाहती है। फिलहाल भारत सरकार ने रिजवाना को भारत से दुबई और दुबई से भारत यात्रा करने का ही पासपोर्ट जारी किया हुआ है। वो किसी और देश में यात्रा नहीं कर सकती। ऐसा उसके दाऊद इब्राहिम से पारिवारिक रिश्तों के चलते किया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए Metro TV से। नमस्कार।